स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जगत पे। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो भी मेरिट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और जो नॉट मेरिट के कैंडिडेट हैं वो भी परेशान थे उनके लिए भी खुशखबरी है। उनका कहना था जो कुंदन द्वारा जो केस किया गया उसको वापस लिया जाए, क्योंकि वो केस गलती से मेरिट के पक्ष में हो गया था, यानी जो नॉट मेरिट का केस था वो केस गलती से मेरिट के पक्ष में था, इसीलिए नॉट मेरिट वालों का कहना था कि ये केस जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। तो आज क्या था, जो भी कुंदन महाशय हैं उन्होंने अपना केस वापस ले लिया। ये आप देख सकते हैं कोर्ट का कागज़, ये देखिए कोर्ट का कागज़ है, ये नाम भी है कुंदन कुमार, और बाकी ये भी ये देखिए इसमें लिखा भी है मैं क्यों वापस ले रहा हूँ ये सब। चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ये देखिए। मैं कुंदन कुमार CWJC नंबर 120/21/2021 केस से अब कोई वास्ता नहीं है। यह केस सभी स्टेट 2019 पास छात्रों के हित में नहीं, यह सिर्फ जो लोगों के नाम हैं उसी के हित में है। यह सोचकर हमने केस वापस लिया। आपका विश्वासी कुंदन कुमार। ये 15/9/2021 यानी आज की डेट डली हुई है। इसमें ये कह रहा है कि जो कुंदन कुमार का कहना है कि ये जो केस किया गया था, केस नंबर है 12021/2021 यानी 120/21/2021 जो केस है नंबर है, ये जो केस किया गया था ये सिर्फ जो केस में शामिल थे उनके लिए ही किया गया था। यानी अगर ये केस जीत भी जाते तो बाकी जो नॉट मेरिट में है उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। जो पेटिशनर थे 35, जो भी 35 पेटिशनर थे उनको और एक कुंदन कुमार यानी 36 लोग या 35 लोग जो भी थे जो शामिल थे केस में, इन्हीं लोगों को फ़ायदा होता अगर केस जीतते भी तो, ये लोग मेरिट में आ सकते थे। लेकिन इन पे बाकी जो नॉट मेरिट वाला जिन लोगों ने पैसा दिया था वो तो उनको तो उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसीलिए उन लोगों ने दबाव डाला तो अब जाके कुंदन कुमार ने ये केस वापस ले लिया है। अब देख सकते हैं पूरा हो गया वापस, अब इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसने साफ लिख दिया है इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये देख लीजिए फॉर्म है, एफिडेविट भी बनवा के दे दिया है पूरा कुंदन कुमार, ये एड्रेस वगैरह एज लिखा हुआ है, 27 साल के हैं, वहाँ से बच्चों वाली हरकतें हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो फेल हो जाते हैं या मान लीजिए कोई मछली है पानी से उसको बाहर निकाल लिया जाए तो हाथ पैर मारेगा ही, तो वही हाल है फेल हो गए हैं तो हाथ पैर मार रहे हैं, होना कुछ नहीं है, थक हार के बाद में बैठ जाएंगे। ये देख लीजिए बाकी ये जितने भी मतलब पेटिशनर वगैरह थे उन सब के साइन है और वकील वगैरह के भी साइन है। ये कुंदन मेन है इसलिए इसका कुछ ज़्यादा ही नाम बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है और इसका मतलब साइन भी क्लियर होना चाहिए, इसलिए इसका सब कुछ क्लियर है, बाकी सबका वैसे ही है। इस केस से इसमें भी लिखा हुआ है, इस केस से केस नंबर लिखा हुआ है 120/21/2021 कुंदन कुमार का कोई वास्ता नहीं है, यानी इस केस से कुंदन कुमार का कोई लेना देना नहीं है, अब ये केस वापस लिया जा रहा है। बाकी जो भी है जितने भी शामिल थे 35 लोग और वकील, इन सब के नाम है, इन सब के साइन है, ये उसके वकील के मोहर है, तो ये केस अब ख़त्म हो गया है। अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सुनने में आ रहा है नॉट मेरिट की तरफ से एक और केस किया गया है, उसका जो भी अपडेट होता है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सभी मेरिट और नॉट मेरिट कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुँचा दें ताकि सभी को पता चल जाए, जो भी कैंडिडेट परेशान थे कि हाँ जी कोई केस वापस लिया जाना चाहिए तो ये अब वापस लिया जा चुका है। लेकिन नॉट मेरिट जो फेल हैं वो उन्होंने दोबारा से एक और केस कर दिया है। चलिए बाकी आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।